उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अस्पताल कब्रगाह बनते जा रहे हैं। पिछले 3 महीने से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर शमशान बनता जा रहा है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत का तांडव जारी है। बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गोरखपुर का अस्पताल एक बार फिर कब्रगाह बन गया है। पिछले 4 दिन में 55 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया है। इनमें ज्यादातर बच्चे नवजात हैं। वहीं बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चों की मौत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पुराने सरकार में हुई बच्चों की मौत को गिनाने वाले स्वास्थ्य मंत्री भी यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि 3 महीने में कैसे 1300 से ज्यादा बच्चों ने घुट घुट कर दम तोड़ दिया। पहले भी बहुत मासूम बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और उसके बाद भी लगातार सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। सरकार जिस तरीके से जुमले बोलती थी, जिस तरीके से भविष्यवाणी सरकार के मंत्रियों ने किया कि किस महीने में बच्चे मरते, अब क्या वो बताएंगे कि अब नवंबर में बच्चे क्यों मर गए? तो मैं ये कह सकता हूँ कि योगी सरकार को मंदिर मंदिर घूमने से बेहतर है कि कुछ मासूम बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए करें। कुछ बेहतर होगा कि अगर मासूम बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि मंदिर मंदिर जा करके प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। कांग्रेसियों के अंदर और खासतौर से स्थानीय लोग जो हैं उनमें बहुत ही आक्रोश है। उसके बावजूद भी सरकार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि सरकार की संवेदना पूरी तरह से खत्म हो गई है। बच्चों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं, जब पिछले सरकार के आंकड़े गिनकर जनता को गुमराह कर रहे थे? अगर पिछले 3 महीने के आंकड़ों को मिलाए तो सिर्फ बीआरडी कॉलेज में 1300 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। बीआरडी के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में 418, सितंबर में 433 और अक्टूबर में 458 बच्चों की मौत हुई है। इनमें संक्रमण, कम वजन, सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित बच्चों के साथ ही इंसेफेलाइटिस के मरीज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल दिमागी बुखार की चपेट में हजारों बच्चे दम तोड़ देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ आश्वासन ही देता रहता है। आखिर कब तक गोरखपुर का अस्पताल मासूम की मौत का कब्रगाह बनता रहेगा? कब तक बच्चे तड़प तड़प कर मरते रहेंगे? दिमागी बुखार की चपेट में कब तक माँ का आंचल सूना होता रहेगा? कब तक यूपी के अस्पतालों में लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत होती रहेगी? गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।